नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्प्रे पंप की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों, हमें यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखने को मिलती है कि उसमें वाटर डालकर फिर से इस बैटरी को चालू किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहिए। तो अगर पानी डालने पर आप इस बैटरी को रिपेयर करते हो और स्प्रे पंप में लगाते हो तो ये आप बैटरी को 4 या 5 पंप ही छिड़काव देगी, उससे ज़्यादा कभी ये बैटरी चलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इस बैटरी का अगर यूज़ करना है तो वैसे पानी डाले बिना ही आप उसका जो डीसी बल्ब आता है उसको आप यूज़ कर सकते हो, डीसी फैन पर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार इसमें आप वाटर डालेंगे तो यहाँ से जब भी ये बैटरी चार्जिंग होगी तो यहाँ से ये पानी है वो बाहर आएगा और जो भी आपका जो नीचे रखा हो वो ख़राब होने का चांस रहता है। अगर आपने स्प्रे पंप के अंदर डाली हो तो जो स्प्रे पंप का वायरिंग है उसको भी ख़राब करने का चांस रहता है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आपकी बैटरी स्प्रे पंप के अंदर 4 या 5 पंप छंटका होती है तो बदलने पर ही आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, ना कि जो ये इसमें वाटर डालकर सही हो जाती है वैसा वीडियो काफ़ी हमें यूट्यूब पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये 5 या 6 पंप छंटका होती है या फिर 2 या 3 साल ही हुई है बैटरी के, तब आप वाटर डालोगे तो 2 या 3 पंप जो पंप हम छिड़काव करते हैं उसका फ़र्क पड़ेगा। 5 हो तो ये 8 या 9 पंप ही छिड़काव करेगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं करेगी। तो दोस्तों, जो भी हमें YouTube पर दिखाया जाता है उसमें वाटर डालकर या फिर सोल्ट डालकर बैटरी नहीं जैसी हो गई है वैसा दिखाते हैं, लेकिन इसे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये बैटरी ये पूरी तरह से ख़राब हो गई है फिर आप उसमें पानी डालो तो उसमें से पावर तो निकलेगा लेकिन आपके स्प्रे पंप के मोटर कभी इससे चलने वाली नहीं है। अगर चलेंगी तो इस तरह के ये 2 वोल्ट के डीसी बल्ब आते हैं वही इसमें चल पाएंगे। उससे ज़्यादा अगर हुआ तो इस तरह का जो ये 12 वोल्ट कि ये है ही 5 वोल्ट का बल्ब है वो जलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 वोल्ट का बल्ब जलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह के स्प्रे पंप की मोटर उसमें चलाना चाहते हो तो उसमें नहीं चल सकते, अगर चली तो 1 या 2 पंप ही चल पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर दोस्तों ये ख़राब बैटरी आप मार्केट में या फिर जो भी भंगार वाले उसको बेचते हैं तो 200 रुपये आराम से मिल जाते हैं। कभी कभी आपको जो उसकी प्लेट के भाव के हिसाब से ऊपर डिपेंड होता है कि 250 रुपये तक भी आपको इस बैटरी का मिल जाता है। तो दोस्तों, इस बैटरी को कभी फेंके मत, और अगर आपको इसमें पानी डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें बैकअप का कोई उसके फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि उसकी जो प्लेट है वो पूरी तरह से अंदर से ख़राब हो गई होगी। तो दोस्तों, जो भी हमारे स्प्रे में बैटरी है वो मिनिमम 2 साल तो आराम से चलती है, लेकिन 2 साल पहले 1.5 साल या 1 साल के अंदर जो ये बैटरी हमारी जो ये ख़राब हो जाती है उसका कारण हमारा ही है क्योंकि हम उसका यूज़ नहीं करते। दो जो फसलों के बीच का समय है 1.5 महीने का या फिर 2 महीने का होता है, उस समय हमें स्प्रे पंप को हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते। उसी कारण जो उसकी प्लेट है वो यहाँ तक पानी रहेगा तो वहाँ से हमारी ऊपर की प्लेट है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि सूखी रहेगी तो वो ख़राब होने का चांस पूरा रहता है। अगर ये बैटरी इस तरह से हिलती रहेगी तो प्लेट है उसकी जो ये गीली रहेगी, उसके कारण ये प्लेट ख़राब होने का चांस नहीं रहता है और हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब भी हम 2 फसलों के बीच का समय है उसमें हमारे स्प्रे पंप को हर 15 दिन में 1 बार डिस्चार्ज करके फिर से चार्जिंग करके रख देना चाहिए, तो इससे हमारी जो बैटरी के है वो लाइफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस बैटरी में कभी कभी ही सही हो जाती है पानी डाल पर या फिर सोल्ट या नमक डालकर जो हमें इस बैटरी को रिपेयर करते हैं, वो यूट्यूब पर वीडियो है वो, इसमें कुछ ही किस्सों में ये बैटरी रिपेयर हो जाती है, बाकी ज़्यादातर किस्से है उसमें बैटरी एक अच्छी या फिर रिपेयर नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपको फिर भी इसमें अंदर वाटर डालना है तो आप एक बार डालकर ज़रूर चेक कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे वो ज़मीन पर ही जब भी आप चार्जिंग करें तो ज़मीन पर रखें ताकि जो आपके नीचे जो भी सामान पड़ा है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये चार्जिंग होने पर यहाँ से जो उसका वाटर आपने डाला है वो बाहर आएगा और यहाँ से नीचे आने का चांस पूरा पूरा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये दूसरी एमरोन की बैटरी है, जो भी हमारे झटका मशीन है फेंस गाड़ी इसमें लगती है, इस तरह की रही है, तो इसमें तो आप पानी आराम से डाल सकते हो। हर 1 महीने या 2 महीने में आप इसके अंदर वाटर डाल दीजिए तो इसकी प्लेट ख़राब नहीं होगी और उसकी लाइफ भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।